गले गई कि मेरे को क्या देख रहा है। हेलो गेमर्स, माय नेम इज अभव एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज ऑन चैनल जिसका नाम है प्लैनेट ज़ू। आई डोंट हैव एनी आईडिया आपको इस गेम के बारे में पता है या नहीं, मुझे भी पता नहीं था। दो घंटे पहले मुझे पता चला, मैंने फटाफट इसको डाउनलोड करा बिकॉज ये एक्जैक्टली सिटी स्काईलाइंस की तरह ही है। जैसे हमको सिटी स्काईलाइंस में अपनी सिटी बनानी होती है, यहाँ हमको एक्जैक्टली हमारा जू बनाना है जहाँ पे दुनिया भर के एनिमल्स आएंगे। फुसफुस आएगा, जितने भी दुनिया में एनिमल्स होते हैं उनको हम अपने जू में लेके आएंगे, उनको पालेंगे, उनकी केयर करेंगे एंड बहुत मजा आने वाला इस गेम को खेलने में। आई एम रियली सुपर एक्साइटेड। मैंने दो घंटे पहले इस गेम को डाउनलोड करा है, थोड़ा सा खेला है मैंने ताकि मैं नूब साबित ना हूं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द सीरीज। ये हमारा इंडिया है जहाँ पे भी मैं हूँ एंड हम यहीं पे फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं, नई फ्रेंचाइजी जू की। तो या ये न्यू फ्रेंचाइजी मैंने कलेक्ट कर लिया और इंडिया में न्यू दिल्ली में हमारी फ्रेंचाइजी होने वाली है। वेलकम टू योर फ्रेंचाइजी। अभी हम इसको क्या बुलाएंगे, मतलब हमारे फ्रेंचाइजी को क्या बुलाएंगे? मैं इसको झपाटा बुलाऊंगा, झपाटा जू। ये जब मैं कॉलेज में था ना तो हमारा ग्रुप था जिसका नाम था ZPL, झपाटा प्राइवेट लिमिटेड, उसी का नाम मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे तो वो खुश हो जाएंगे। आई एम रेडी। झपाटा अभी हमको यहाँ पे चूज कर, हम कहाँ पे बनाएंगे? हमको इंडिया में करना है, एशिया, या एशिया, ये वाला पूरा एशिया का पार्ट आता है भाई। ये वाला पार्ट नहीं है एशिया का, ये कौन सा है? वो ये ट्रॉपिकल एशिया है। या देयर यू गो, फाइनली वी क्रिएट अवर न्यू फ्रेंचाइजी। और मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट्स अर्न कर लिए, क्लेम कर लेते हैं। 100 कुछ पॉइंट्स है, वेलफेयर पॉइंट्स। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू जू। मैं यहाँ से अपना कस्टम बायोम चूज कर सकता हूँ, तो डेजर्ट वाला नहीं यार, डेजर्ट वाला नहीं, ट्रॉपिकल लेते हैं। ट्रॉपिकल थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीनरी है, मुझे ग्रीनरी ज़्यादा पसंद है। तो अफ्रीका, एशिया, ऑब्वियसली एशिया, हम एशिया में रहते हैं। तो ये कहाँ पे आएगा? इंडिया। अबे इधर नहीं, मेरे को इंडिया में दो भाई, मेरा इंडिया है, आई लव माई इंडिया। ये मेरे को इन्होंने इधर किधर दिया है, मे बी ये कौन सा अलग सा कंट्री है, बट ठीक है भाई, मतलब कॉन्टिनेंट तो एक ही है, एशिया में हम सारे लोग रहते हैं। तो हम डिफ़िकल्टी मैं ईजी रखने वाला हूँ सबसे पहले, बाद में इसको चेंज कर दूंगा क्योंकि ये गेम काफ़ी डिफिकल्ट है। पहले ईजी करेंगे, बाद में इसकी डिफिकल्टी चेंज करूंगा, डोंट वरी। झपाटा ज़ू मैंने इसको नाम भी दे दिया है और इसको क्रिएट करने के बाद हमको थोड़े से और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं एंड अभी हम पूरी तरीके से गेमर्स तैयार है अपना नया ज़ू क्रिएट करने के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, ज़ू क्रिएट कर देगा। लेट्स क्रिएट अवर ज़ू। देयर यू गो, अचीवमेंट अनलॉक हो गई। फ्रेंचाइजी ज़ू, हमने फ्रेंचाइजी अपनी खोल ली है एंड आज से ये नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। तो गणपति बप्पा मोरया, आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस गेम। एंड देयर यू गो गेमर्स, हम लोग आ गए हमारे जू में। एंड जैसा कि मैंने बोला था, ये गेम एग्जैक्टली सिटी स्काईलाइंस की तरह ही है। देखो मैं अंदर तक जूम कर सकता हूँ, हम हर एक बिल्डिंग को देख पाएंगे। भाई साहब मजा आ गया, लेट्स गो। तो ये हमारा पूरा एरिया है भाई, मुझे इन लोगों ने जंगल के बीचों बीच ड्रॉप कर दिया है, नाइस। और देखो यहाँ पे रोड्स है, जैसे कि हम नॉर्मल सिटी स्काईलाइंस में रोड्स बनाते हैं, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के रोड्स है। एक एक डॉलर में एक एक रोड बनता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे कुछ आया है, कीपर हट। यू नीड अ कीपर हट। ये कीपर हट क्या होता है? जहाँ पे आई थिंक लोग रहेंगे। ये सारी की सारी फैसिलिटीज हमको यहाँ पे बनानी है, मतलब जू को मैनेज करने के लिए। वहाँ पे जू कीपर होता है, उनका दवाखाना होता है, आई मीन हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमको बनानी है। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमको यहाँ पे रोड्स बनाने पड़ेंगे, माई फेवरेट पार्ट ऑफ द गेम। रोड्स कहाँ से बनाए? यहाँ से आएगा सीधा। भाई ये यहाँ पे क्या बन गया रोड की जगह पे? अबे साले मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ये मैंने गलत कुछ बना दिया आई थिंक। इसको डिलीट कैसे करें? हाँ यहाँ से डिलीट, हाँ ये डिलीट करो भाई, कुछ गलत बन गया था यहाँ पे। हाँ अभी से बनेगा रोड। सो देयर यू गो, अभी हम पवित्र तैयार है, यहाँ से रोड बनेगा। रोड थोड़ा सा ब्लैक लेते हैं, ब्लैक अच्छा लगता है। रोड सबसे पहले सामने आएगा, देन और सामने आएगा, देन और सामने आएगा, देन और सामने आएगा। ये गेम ब्रो, ये इतना ठीक है। और अभी मुझे दूसरा भी रोड लेके आना पड़ेगा, जैसे मैंने ये वाला बनाया था एग्जैक्टली ये भी रोड यहाँ से आएगा, दूसरा वाला। हाँ यहाँ से इसका कनेक्शन बनाते सीधा, तो भी एकदम फ्रंटियर ऐसा। देयर यू गो, एंड ये कनेक्ट यहाँ पे। फाइनली हमारा एक पहला रोड बन चुका है गेम के अंदर, काफ़ी सही लग रहा है। एंड मैं बहुत अंदर तक जूम कर सकता हूँ, भाई क्या लग रहा है। एंड मैं यहाँ पे आपको एक बार सिनेमैटिक व्यू भी दिखा दूँ, देखो कितना सही लग रहा है। एग्जैक्टली मैंने बोला था ना, सिटी स्काईलाइंस की तरह ये। यहाँ पे भी देखो, ये बॉर्डर है, हम बॉर्डर के बाहर बिल्ड नहीं कर सकते, ये हमारी मेन बॉर्डर है, इसी के अंदर हमको अपना पूरा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोड्स बना दिए, देन उसके बाद हमको यहाँ पे जिन्होंने जो बोला है वो बनाना है। हमको यहाँ पे कीपर हट बनाना है, देन स्टाफ रूम बनाना है, यहाँ पे जो लोग काम करेंगे। एंड मुझे यहाँ पे लोगों को हायर भी करना पड़ेगा काम करने के लिए। अफ्रीकन बफेलो, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, कुत्ते वगैरह भी है, सांप वगैरह भी होंगे, कैमल्स वगैरह, टाइगर। वाओ कितने सारे एनिमल्स है, कीड़े मकोड़े, ओ भाई सांप भी है, मेरे को बहुत डर लगता है सांप से, सीरियसली। ओ ऑस्ट्रिच है, ये हाथी है, ये ओ शतुरमुर्ग। एंड सॉरी मैं गलत नाम ले रहा हूँ, ये क्या हुआ अबे यार, कुछ इन कनेक्शन का एरर आ गया। स्कॉर्पियोन, काला, वो काला नाग,
एक मुर्गी वगैरह है क्या यहाँ पे? मुर्गी, ओ इंडियन पिकाको, आई मीन पिकाचू, क्या बोलते इसको, पिकॉक, हाँ पिकॉक। और ये यहाँ पे इंडियन नाम देखे भाई अच्छा लगा मुझे, इंडियन एलिफेंट्स भी है। तो हम ये सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, बट वो बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे स्टाफ रूम्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ हमारा स्टाफ इस तरफ रहेगा, यहाँ पे मुझे एक रोड का कनेक्शन बनाना पड़ेगा जस्ट लाइक सिटी स्काईलाइंस। तो यहाँ से एक रोड आएगा इधर ऐसा, ये डीएम, और ये इधर से इसको इधर लेके आते थोड़ा सा, ये डीएम, वेरी नाइस। और इस बात पे गाइस एक लाइक बनता है यार, आपका भाई इतना मेहनत करता है, कोई भी वीडियो को लाइक नहीं करता। या इधर से इधर आ गई, वेरी नाइस, मस्त एकदम वैभव, एकदम मस्त साले तुझे। एंड ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। हाँ तो गाइज हमारा पहला कनेक्शन जो है वो बन चुका है यहाँ पे। एंड नाउ अभी मैं एक सोच रहा हूँ बीच में से भी एक रोड हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बनाते हैं रोड, या जस्ट लाइक दिस, ये आएगा यहाँ पे, ताकि स्टाफ्स को इधर उधर आने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेट्स गो, मैंने एक और डिवेनेशन बना दिया है रोड का। और अभी यहाँ पे हमारे स्टाफ रहेंगे, हमारे फैसिलिटीज़। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था मुझे, क्या बनाना है, कीपर हट बनाना है। तो कीपर हट हमारा यहाँ पे बनेगा, देखो दिखने में कितना प्यारा क्यूट सा है। आई एम सो सॉरी, बीच में मैं बच्चों जैसे हरकतें कर देता हूँ, उसके लिए माफ़ कर दो। ये यहाँ पे बनेगा, लेट्स गो, बन चुका है हमारा स्टाफ। व्हाट द फ्लिक, मैं एक्चुअल में यहाँ पे देख भी सकता हूँ भाई, क्या ग्राफिक्स है, मजा आ गया। यहाँ पे हमारा स्टाफ रहेगा, उनके खाने पानी की पूरी व्यवस्था कर रखी है, लग्नात आला है तर जेवण करूनच जा। आणि त्यानंतर आपल्याला बनवायचं आहे काय बनवणार तुमको, स्टाफ, हाँ रूम स्टाफ। तो ये रूम स्टाफ किधर बनाए, इसको भी इधर हीच बनाते, मतलब लोग पास पास ही रहेंगे ना, तो अच्छा रहेगा। मस्त, एकदम मस्त बन गया ये हमारा, इनकी बिल्डिंग। तो ये लोग अभी यहाँ पे रहेंगे, मतलब यहाँ पे खाना खाएंगे और इसके अंदर सीधा सोने के लिए जाएंगे। भाई क्या भाई, सीरियसली मेरे को प्यार है इस गेम से भाई, क्या ग्राफिक्स है, मतलब मेरे को ऐसी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। आपको मैं एक बार सिनेमैटिक व्यू में भी दिखाता हूँ, GTA 5 की तरह ग्राफिक्स इस गेम के, सीरियसली। देखो यहाँ पे टीवी वगैरह, आप टीवी देख सकते हो, मतलब ऑब्वियसली स्टाफ के लिए खाना वगैरह खाने के लिए सब कुछ सारी चीज़ें। तो कितना क्यूट घड़ी है, मुर्गी की शेप का, आई मीन हाथी के मुँह का घड़ी है ना। उसके बाद हमको क्या बनाना है, हाँ क्वारंटाइन, मतलब जब हम एनिमल्स को खरीदते हैं ना, तब हमको यहाँ पे उनको क्वारंटीन करना पड़ता है। बट ये कितने का है, बहुत महंगा है, सस्ता वाला क्वारंटीन नहीं है का। थोड़ा सा पास में आ इधर ऐसा, मस्त ये मैंने बना दिया क्वारंटीन सेंटर। तो यहाँ पे जो भी हम एनिमल्स बाहर से लेके आएंगे ना, मतलब ऑब्वियसली हम एनिमल्स बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट करेंगे, तो सबसे पहले उनको यहाँ पे लेके आएंगे, उनको चेक किया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, बीमार वगैरह नहीं है। एंड देन उसके बाद ये हमारे जू के अंदर आएंगे। गेमर्स में वापस आ गया, एक्चुअल में लाइट चली गई थी, मुझे फैन को ऑन करना पड़ा क्योंकि एसी बंद हो गया था। तो अभी मुझे यहाँ पे दूसरा बिल्डिंग बनाना है, जिस बिल्डिंग का नाम है, या जूम कर रहा है, ये जूम कर बे, अभी लाइट भी आ गई, फिर से आ गई गधी कही की। रिसर्च सेंटर भी चाहिए, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा। तो ये हमारी क्यूटी पाई यहाँ पे बनेगी ऐसी, परफेक्ट, सारे मैंने एक जगह पे बना दिए और ये काफ़ी अच्छे लग रहे भाई, बहुत सही लग रहा है। रिसर्च सेंटर भी मैंने बना दिया। एंड अभी आखिरी का कुछ बनाते हैं, ये रिसर्च सेंटर हो गया, क्वारंटीन स्मॉल हो गया, फूड शॉप की भी ज़रूरत है हमको ऑब्वियसली, एनिमल्स को खाना देने के लिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक छोटा सा फूड शॉप भी बनाते हैं। परफेक्ट, सर्जरी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है भाई, यहाँ पे एनिमल्स का मतलब ध्यान रखा जाएगा अगर उनको कुछ हो गया तो। और ये आखिरी यहाँ पे बनेगा, परफेक्ट। फाइनली गाइज मैंने सारे के सारे जो हाउसेस हैं, मैंने इंपॉर्टेंट हाउसेस उनको बना दिया है। और अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये किसका रूम है भाई, मे बी यहाँ पे एनिमल्स की केयर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला रूम आता है, ये क्या चीज़ है, वो ये खा, वो लोग आ गए भाई, हेलो ब्रो, हाउ आर यू, माय नेम इज वैभव, माझा एक यूट्यूब चैनल है, प्लीज तला सब्सक्राइब कर। एंड ये क्वारंटीन शॉप है भाई, पूरा बेड है, ओ माय गॉड दिस इज सो कूल, यहाँ पे एक्चुअल में एक बेड है, पूरा हॉस्पिटल जैसा माहौल है। देखो ये सिटी स्कैन का मशीन भी है, मुझे पता है इसके ऊपर क्या करते हैं, मैं यहाँ पे खुद अभी एनिमल्स की केयर करेगा भाई। क्या मस्त नज़ारा है, मस्त वाटल, एकदम आनंद ही आनंद हो गया, कितना प्यारा लग रहा है व्यू, देखो सनसेट हो रहा है। ऐसा व्यू आपको और कहाँ पे मिलेगा, बस आपको वैभव गेमिंग चैनल पे ही मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त मजा आली मड़ा। एंड इसके बाद गेमर्स हमको यहाँ पे रोड्स बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे हम एनिमल का शेल्टर बनाएंगे, जहाँ पे हम एनिमल्स को रखेंगे। तो एक काम करते हैं, एक बीच से रोड यहाँ पे सामने की तरफ आएगा, नीचे कॉमेंट कर दो आपका बर्थ डेट क्या है, ऐसी कर दो जब तक हमारा रोड बन रहा है। अभी के भी जाओ, वैसे मेरा बर्थ डेट क्या था, मेरा बर्थडे हाँ 19 फरवरी 2000 को हूँ मैं, आपकी क्या है मुझे कमेंट से बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनीमेज ये हमारा यहाँ पे क्या ये टेंगू डाल है भाई, ठीक है हमारा दूसरा कंडीशन यहाँ पे बन चुका है। एंड देन यहाँ से मुझे इस रोड को सामने से और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लेके आना पड़ेगा। गाइज मैं सब कुछ
प्लान से चीज़ें करता हूँ, आपको मेरे क्रिएटिविटी का अंदाज़ा नहीं है। देन ये बन गया, और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक एरिया बनेगा जहाँ पे हम एक एनिमल रखेंगे। सबसे पहला कौन सा एनिमल आएगा मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ये गेम जो बोलेगा हमको वही करना पड़ेगा। और अभी तक हमारे जू में कोई भी आया नहीं है, मुझे जल्दी से गाइस यहाँ पे अभी बैरियर लगाने पड़ेंगे। हाँ, ये बैरियर यहाँ से, वैसे कौन से बैरियर लगा है, महंगा वाला, काफ़ी महंगे ये $0, ये फ्री में मिल रहा है क्या? वो $100 का ये वुडन गेट भाई, बहुत महंगा है ये, लगेगा क्या यहाँ पे? लगेगा बट काफ़ी महंगा है, बट लगाना तो पड़ेगा ऑब्वियसली। तो या मैंने एक लगा दिया छोटा सा वुडन गेट, देन उसके बाद कैसा देखने में कैसा लग रहा है? हाँ, एकदम मस्त वन टास। और इधर से फिर ये इस तरफ आएगा, ऐसा छोटा ही हैबिटेट बनाते सबसे पहले, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं बना के तो देखते सबसे पहले, रैंडमली शेप बनाते गाइज। वैसे जू तो रैंडमली होता है। ये इधर से ऐसा आएगा सामने, ऐसा ऐसा परफेक्ट एकदम मस्त कौवा बिरयानी यहाँ पे आएगा। इथुन हे यहाँ से इथे येणार, त्यानंतर या इथे येणार, आणि ये यहाँ पे इथे कनेक्ट होणार। हाँ, पहला हमारा बैरिकेड बन चुका है, बट ये कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है? एनिमल्स स्टॉप के बाहर चले जाएंगे भाई, इसकी मुझे थोड़ी सी हाइट बढ़ानी पड़ेगी गाइज। उसकी हाइट अभी कैसे बनाए? ओ, इसको ऐसे सिलेक्ट करो भाई, मस्त गेम है यार, मज़ा आ गया। अभी इसकी हाइट यहाँ से बढ़ेगी, ओ वेरी गुड हाइट भाई, भाई साहब मैंने गाइज इसकी हाइट बढ़ा दी है। और देखो अभी हमारा पहला एनिमल शेड बन चुका है, इससे हम बहुत सारे एरिया में, पूरे एरिया में इसको फैला देंगे। सिटी स्कायलाइंस में तो भाई रोड बनाने के बाद ऑटोमेटिकली घर बन जाते हैं, बट यहाँ के हमको, यहाँ पे हमको खुद से करना होता है, यही इस गेम की ब्यूटी है। देन अभी हमारे पास ये पर थोड़े से चैलेंजेस वगैरह है, ये भी हम करेंगे, बट अभी सुबह हो रही है, मुझे जल्दी से यहाँ पे अभी अभी क्या करना है, अभी आई थिंक मुझे यहाँ पे एनिमल्स को ले जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ट्रेडिंग, यू हैव एटलीस्ट वन ट्रेड सेंटर। ओह, ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड सेंटर चाहिए, मैंने ट्रेड सेंटर बनाया नहीं क्या फिर भाई? मैंने ट्रेड सेंटर बनाया नहीं, कहाँ पे गया ट्रेड सेंटर? फूड शॉप आ गया, ट्रेड सेंटर ये रहा भाई, पहले बता देते, बना दिया मैंने अभी एक और ट्रेड सेंटर, मज़ा आ गया। अभी हमने एक ट्रेडिंग सेंटर भी बना दिया, तो यहाँ से हम एनिमल्स को लेके आएंगे, मतलब ये कमरे से। पूरा तो अंदर ब्लैक होल बन रखा है, बट एनीवेज वैसे ब्लैक होल से याद आया, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, मुझे यहाँ पे फॉलो कर दो अभी कभी जाओ, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो। यू नो इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, आप वहाँ से मुझे बड़ी एनिमल ट्रेडिंग। फाइनली हम यहाँ पे एनिमल्स को बाय करने वाले हैं। ये कौन सा एनिमल है भाई? बाम्बुआ एबीओना ये यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस एनिमल इज बींग एडोप्टेड फॉर कैश, हमको कैश में ही बाय करने हैं। ये क्या चीज़ होती है? हाँ, ये मेरे पास थोड़े से पॉइंट्स है, रिलीजिंग एनिमल्स, ये मुझे पॉइंट्स अर्न करने पड़ेंगे, क्रेडिट्स है ये। ओह, एनिमल को छोड़ने के बाद मुझे क्रेडिट्स मिलते हैं। ये मेल है एंड ये फीमेल है, तो मुझे ऑब्वियसली दो एनिमल्स को बाय करना पड़ेगा ताकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े, एंड ज़्यादा बढ़ने के बाद हम इनको बेचेंगे उनके बच्चों को। तो अभी हमको इसको बाय करना पड़ेगा, मेल को बाय करते सबसे पहले। ये यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट आ गई, ये क्या करता है, कैसा, इसके कंपैरिजन वगैरह, और ये इसका पूरा झोड़ोपी आ गया जहाँ पे इस एनिमल की पूरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये क्या करता है, इसको क्या चाहिए होता है, ये अफ्रीका में मिलता है, इसका स्पीसीज डेटाज आ गया पूरा वगैरह। रिलेशन विथ ह्यूमन, शाय, ओह ये शाय है, मतलब लोगों से शर्माता है, तो मुझे इसको यू नो लोगों को एक्सपोज ज़्यादा होने नहीं देंगे, अगर इसको ज़्यादा लोग देखने के लिए आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है समझ गया मैं, तो अभी जल्दी से इसको बाय कर लेते। कहाँ पे गया मेरा, इसको मैं अंडरटेकर बुलाएगा, अंडरटेकर तो बाय कर लिया क्या मैंने? वो बाय कर लिया आई थिंक मैंने। ओह या ठीक है, सेंड टू जू। ओके, कहाँ पे जू, इसको सेंड कहाँ पे करना है? यहाँ पे तो ये यहाँ से है एनिमल ट्रेड सेंटर से, इसको क्वारंटीन में लेके चलते हैं गाइस। ठीक है, इसको हम क्वारंटीन में लेके चले गए, और जू हैज़ नो केयर टेकर्स और डिलीवरी। ओह वेट गाइस, बट इससे पहले हमको, मैं भूल ही गया उसके बारे में आपको बताना, मुझे यहाँ पे केयर टेकर्स वगैरह हायर करने पड़ेंगे, काम करने के लिए स्टाफ चाहिए। तो ठीक है, एक केयर टेकर को हायर करते हैं, ये आ गया केयर टेकर। देन उसके बाद हमको यहाँ पे कीपर भी चाहिए, एक मैकेनिक भी चाहिए ऑब्वियसली, और इनको मुझे सैलरी वगैरह भी देनी पड़ेगी। ये मैंने कुछ यहाँ पे वर्कर्स को हायर कर लिया है, एंड एज यू कैन सी ये इंसानों की तरह ही लग रहा है, हंस रहा है कैसा, गधे के ऐसे हंसते नहीं ये पागल। और ये कुल्हाड़ी लेके कहाँ पे जा रहे तू? नहीं, ये आई थिंक यहाँ पे क्लीनर वगैरह होगा, और ये आई थिंक उनके जो वर्क ऑफिसर्स है वहाँ पे ये जाएंगे काम करने के लिए। बढ़िया बढ़िया, तो अभी मैंने इनको हायर कर लिया है, तो भी आई थिंक मैं एनिमल को यहाँ से बाय कर सकता हूँ। कहाँ पे गया वो मेरा एनिमल? और इसको अभी जल्दी से यहाँ से मूव कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा ना अभी ये, एंड दे यू गो डिलीवरी स्केड्यूल। आई थिंक अभी ये एक बंदा यहाँ से चला जाएगा, जहाँ से अभी हमने जो ये एनाकोंडा बाय करा था, आई मीन अंडरटेकर, उसको ये लेके चला जाएगा। देखते अभी क्या करता है ये, आई थिंक वहाँ पे जाएगा। जा भाई जल्दी से लेके हमारे एनाकोंडा को, आई मीन अंडरटेकर को। क्या नाम दिया मैंने
एनीवेज वो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर है क्या ये? तो अभी देखो ये भागते भागते उधर चला जाएगा आई थिंक, और हमारा पहला एनिमल आ जाएगा हमारे जू में। मैं बहुत खुश हूँ भाई, फाइनली फर्स्ट एनिमल आने वाला है। हमारे पास चार वर्कर्स भी है भाई, जल्दी 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 कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे एक और बंदे को भी वैसे हायर करना है, मतलब ये मेल था, मुझे फीमेल भी चाहिए ताकि हम इन लोगों की ब्रीडिंग कर सके। एंड देयर यू गो, ये आ गया यहाँ पे, हंसते हंसते दांत दिखा रहा है गधे कहीं के। एंड छोड़ दे इसको यहाँ पे। वाओ, बड़ा हो गया बॉक्स। देयर यू गो, हमारा अंडरटेकर, अंडरटेकर, अंडरटेकर क्या, अंडरटेकर आ चुका है। कितना प्यारा सा क्यूट सा एनिमल है। ये क्या है, रिपोर्टर अराइविंग इन 12 मंथ्स। ओ रिपोर्टर, कुछ रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये इसका पूरा वेलफेयर है, इसको न्यूट्रिशन, सोशल हैबिटेट, ओ भाई भाई बहुत सारी चीज़ें है। अब एक सेकेंड, इसका एक हमको फ्रेंड भी चाहिए। मेरे पास अभी $18,000 है, नो वरीज। अभी मुझे इसका फीमेल फीमेल वर्जन बाय करना पड़ेगा, अडॉप्ट करते हैं यहाँ से $1,800 में। या सेंड टू जू, इसको जू पे सेंड करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे उसको केयर टेकर के पास लेके जाना पड़ेगा क्वारंटीन में। तो इसको क्वारंटीन में हमने सेंड कर दिया। ये एनिमल यहाँ पे आ गया हमारे ट्रेन सेंटर में, एंड ट्रेड सेंटर से सीधा जाएगा क्वारंटीन में, वहाँ पे उसको चेक किया जाएगा। मुझे एक्चुअल में जाके चेक करना है क्वारंटीन में। क्वारंटीन में कुछ भी दिखता नहीं है भाई, प्लीज़ दिखा दो यार, क्या करते हो तुम लोग अंदर, पता नहीं। देखो इसने आई थिंक वहाँ पे इसको रख दिया। और वाओ, लोग आ गए, मेरे इतने सारे लोग, व्हाट द फ्रिक, ओ माय गॉड, इतने सारे लोग कहाँ आ गए भाई। एक तो मेरा ये एनिमल, हमारा अंडरटेकर डरता है लोगों से। भाई 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 भाई, इस एनिमल को देखने के लिए इतने सारे लोग आ गए, मजा आ गया। कितना क्यूट गेम है भाई, सीरियसली इतने सारे लोग एक साथ आएंगे। इन्होंने वैसे टिकट तो कटवाया ना। हेलो भाई, टिकट काटने वाला कौन है यहाँ पे? मुझे क्या कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बट अच्छी बात है, अभी काफ़ी सारे विजिटर्स आ रहे इसको देखने के लिए। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अभी हम वैसे माइनस में ही चल रहे हैं। अभी वैसे वो हमारा दूसरा एनिमल आ गया क्या, लेट मी चेक, अगर आ गया हो तो उसको जल्दी से ट्रांसफ़र कर देता हूँ क्वारंटीन। चेक कर लिया क्या उसको? या अभी इसको शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं इधर से। क्वारंटीन आई थिंक इसका हो गया है, एंड ये आएगा यहाँ पे। तो अभी वापस एक बंदा आएगा, वही आएगा आई थिंक आएगा। या ये दौड़ रहा है। कितना क्यूट लगता है दौड़ते वक्त। तो अभी जल्दी से क्वारंटीन सेंटर में जाके उसको यहाँ पे छोड़ देगा, एंड यहाँ पे एक और एनिमल हमारा आ जाएगा। देखो अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो अभी मुझे इसके खाने पाने का भी गाइस यहाँ पे इंतजाम करना पड़ेगा। एक और एनिमल हमारा आ चुका है, इसी का फीमेल वर्जन, अंडरटेकर फीमेल। ये एक और फीमेल आ गई, तो भाई तेरा फ्रेंड आ गया। काफी गया दूसरा एनिमल, ओए भाग गया क्या? नहीं नहीं नहीं, यही पे यही पे। फूड एंड वाटर, अभी मुझे इनके यहाँ पे खाने का सिस्टम करना पड़ेगा गाइज। तो फूड के लिए फूड बाउल हायर करते हैं, ये वाला लार्ज फूड बाउल और स्मॉल। स्मॉल ही अभी के लिए हम करेंगे, ये से दो ही एनिमल्स है। तो यहाँ पे मैंने एक फूड बाउल डाल दिया है, तो मे बी यहाँ पे कोई फूड इंस्ट्रक्टर आके यहाँ पे फूड डाल देगा। एंड पानी के लिए हमको यहाँ पे एक पानी का बाउल भी रखना पड़ेगा, तो एक पानी का बाउल इधर रहेगा, दूर दूर रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैंने दो बाउल्स रखवा दिए, वैसे ज़्यादा महंगे नहीं थे, $50 में ही थे। एंड अभी आगे भाई जल्दी से आके यहाँ पे कोई पानी डाल दो भाई, नहीं तो ये जानवर भूखे मर जाएंगे। अभी तक तो कोई आया नहीं फूड टेकर, केयर टेकर, मे बी ये लोग जल्दी आ जाएंगे यहाँ पे पानी वगैरह डालने के लिए। एनिमल नीड्स मोर ग्रास, ओके यहाँ पे हमको ग्रास थोड़ी सी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ठीक है, यहाँ पे ग्रास आ गई, ये वाली ग्रास, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ग्रास को गाइस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एनिमल जो है वो कह रहा है इसको ज़्यादा ग्रास की ज़रूरत है। नो बड़ी ब्रो, ये मैंने इसको यहाँ पे थोड़ी सी ग्रास एक्स्ट्रा लगा दी है। देन लॉन्ग ग्रास भी इसको चाहिए, सॉइल की भी ज़रूरत है इसको भाई, सब कुछ चाहिए तेरे को गधे कहीं के। ये ले, अभी इसको थोड़ी यहाँ पे सॉइल भी डाल देते हैं। सॉइल भी आ गई थोड़ी सी, तो अभी ये खुश हो जाएगा आई थिंक गधा कहीं का। और देन अभी इसको यहाँ पे शॉर्ट ग्रास भी चाहिए, अबे यार तो शॉर्ट ग्रास भी ले, ये ले। हाँ, सब कुछ हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओ वेट, ये कौन था भाई? अभी ये क्या करा इसने? कुछ तो करा इसने, मैं भी इसकी पॉटी साफ करने के लिए आया था। ये आ गए इन लोगों के शेल्टर्स। तो सस्ता वाला कौन सा बनेगा यहाँ पे? मुझे सस्ता वाला चाहिए एकदम। हाँ, ये वाला एकदम बेसिक्स है, ये वाला वुडन शेल्टर मैं यहाँ पे बना देता हूँ इन लोगों के लिए। ऑब्वियसली चाहिए इन लोगों को, तो बना देते हैं। या बना दिया मैंने, खर्चा कर दिया, तो अभी ये लोग यहाँ पे रहेंगे इस शेल्टर के अंदर। अगर बारिश वगैरह होएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा इनके लिए। फाइनेंस मैनेजमेंट, ओ यहाँ से हम फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। ग्राफ, लोन वगैरह हम लोग ले सकते, ओ लोन ले सकते हैं, मज़ा आएगा, बट अभी नहीं लेना है मुझे। ओ मार्केटिंग कर सकता हूँ मैं, ताकि ज़्यादा लोग हमारे जू में आ सके, हमारे झपाटा जू में। टीवी कमर्शियल्स भाई, मैं एड्स भी दे सकता हूँ। क्या, कौन सा शो? ये कॉमेडी शो में, फैमिली शो में, और लेट नाइट स्टॉक में। भाई क्या गेम है। ऑनलाइन वायरल कैंपेन भी कर सकता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जू को देखने के लिए आ सके। भाई साहब मज़ा आ गया। और अभी हम टोटल प्रॉफिट नहीं, माइनस में चल रहे, $1,500 माइनस में चल रहे, बट डोंट वरी, धीरे धीरे हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। और अभी यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए आई थिंक। ओ क्रैक्स पड़े भाई इसके ऊपर, हमारे दीवारों के ऊपर। ठीक है, तो ये बंदा मैकेनिकल आई थिंक यहाँ पे कुछ काम करने के लिए आएगा, ऑब्वियसली अच्छी बात है। अभी तक इनको खाना क्यों नहीं मिला है?
भाई जल्दी कॉल कीपर को मैं फोन कर देता हूँ, इसको मैंने कॉल लगा दिया है, मैं इनको कॉल लगा के भी बुला सकता हूँ। और कोई भागते भागते आई थिंक आएगा, कोई आ रहा है भागते भागते, वो आ रहा है गधा कहीं का। यहाँ पे खाना क्यों नहीं डाला मैं तूने घरे कहीं के? ये आई थिंक यहाँ पे आके खाना डालेगा या पानी डालेगा, वो ये वाटर बाउल है तो इसके अंदर वो पानी डालेगा आई थिंक। ओके एक लड़की आ रही है, अभी तुम लोगों को अक्ल नहीं है क्या? यहाँ पे एनिमल भूखा मर रहा है, ये नोट कर रही है यहाँ पे आके पानी डाल। अबे पानी डाल आके, वो पानी नहीं डाल रही है, वो आ गई आ गई आ गई आ गई, आ जा 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 पानी डाल दे। अब सालो तुमको पगार में दूंगा नहीं अगर तुम लोग यहाँ पे ठीक से काम नहीं करोगे तो, ठीक है? तो इसने भी यहाँ पे आके पानी डाल दिया है और खाना भी डालना पड़ेगा। एक सेकेंड यही पे रुक, भाग मत। ओह दे आर अबाउट टू मेट, नो 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 इट्स सेंसर पार्ट गाइस, ये ब्लर करने का पार्ट है, ये लोग अभी बेबीज करने वाले भाई, दे आर गोइंग टू मेक बेबीज। ओके ओके, तो यहाँ पे आई थिंक एक बच्चा भी पैदा होने वाला है भाई, बहुत सही है। आई थिंक हो गया उनका मीटिंग, अभी इतना ईजी था ये तो, ब्लर करने का कोई सीन नहीं था यहाँ पे, और सुबह भी हो गई है, वेरी नाइस। और नीचे क्यों डाल रहा है खाना? अबे साले यहाँ पे मैंने ये तो लगा दिया ना, हाँ ठीक है, उसने वहाँ पे भी डाला और ये यहाँ पे भी डालेगा। तो इनको टाइम टू टाइम हमको खाना भी देना पड़ेगा, और देखो अभी ये लोग वहाँ पे जाके खाना खाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोनों अलग अलग प्लेट में क्यों खाना खा रहे हैं? तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया क्या? भाई मेरी बात मान, ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मेरा नुकसान हो जाएगा तुमको बच्चे पैदा करने इधर, ठीक है? उनको क्या चीज़ें अच्छी लगती है मुझे वो भी देखना पड़ेगा। एनवायरमेंट उनको प्लांट्स अच्छा लगता है, और एनिमल्स हैज प्लांट एंड ट्री कवरेज। मैं ट्रीज लगा देता हूँ यहाँ पे, $40 में ट्री लगेगा यहाँ पे। हाँ भाई राफ्ट, मेरे को राफ्ट गेम की याद आ गई सीरियसली, तो मैंने यहाँ पे एक ट्री लगा दिया है, बढ़िया लग रहा है। अफ्रीकन पाम ट्री बोलते आई थिंक इसको। वेट वेट वेट, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रहा है। हाँ वेट गाइज एक काम करते हैं, मुझे एक सेकेंड गेम को थोड़ा देर के लिए गाइज मैं पॉज कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे ठीक से रोड्स भी बनाने पड़ेंगे। एक काम करते हैं यहाँ पे मैं क्यों ना ब्रिज बना दूँ ऐसा ऊंचा वाला, ताकि ये लोग यहाँ पे ना इसको ऊपर से भी देख सके। हाँ मैं यार मैंने लास्ट टाइम ना मतलब ये इसको बनाते मैंने रोड्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पे गाइज थोड़े से और रोड्स बनाने पड़ेंगे। एक काम करते हैं एक रोड मैं यहाँ पे बना देता हूँ, नॉर्मल वाला बनेगा क्या यहाँ पे? ब्लैक रोड बनाते हैं नॉर्मल सा, तो ये इस तरफ से यहाँ पे आएगा एंड इधर से ये ऐसा आएगा। अभी लोग इसको ऊपर से भी देख पाएंगे, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना दिया है ताकि लोग इसको ऊपर से भी देख सके, एंड यहाँ पे दिन ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा और लोगों ने इधर से जाना शुरू कर दिया है। गाइस बस थोड़े दिन रुको, मैं इस गेम में एक बार प्रो बन के आना तो भाई बहुत ओपी चीज़ें बना दूंगा मैं। और अभी एक काम करता हूँ मैं सेम दिन इधर भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी दिन अच्छा रहेगा यार, क्योंकि सारे लोग उधर से ही जा रहे हैं घरे गई के। हाँ ये वाला ट्री आ गया तो खुश हो गया, देखो यहाँ पे 11% हैप्पीनेस आ गया इसका, मतलब ये जिस बायोम में रहता है मुझे उसी बायोम के ट्रीज यहाँ पे लगाने पड़ेंगे भाई, अलग ही नखरे इन लोगों के। तो एक यहाँ पे ये वाला चलेगा क्या? अभी देखो ये 3% इसका हैप्पीनेस, इसका 11% हैप्पीनेस है, और बारिश होने लगी, नाइस। अभी ये इसी के आसपास का हैबिटेट देखे ना खुश हो जाएगा। और अभी एक वापस से आए, ये लोग क्या करने आए यहाँ पे? बारिश हो रही है, मैं भी कुछ देखने के लिए, बारिश होगी तो ये यहाँ पे आएंगे रहने के लिए। हाँ जो मैंने यहाँ पे इनके लिए रहने के लिए घर बनाया था ना, यहाँ पे भी ये बारिश होने के बाद आएंगे रहने के लिए, बहुत बढ़िया। और ये फीमेल इसको भी लेके आओ भाई, और यहाँ पे इन लोगों ने पॉटी भी करी है, तो पॉटी को क्लीन करने के लिए मुझे इनको बुलाना पड़ेगा। एक बंदा आता है आई थिंक पॉटी को क्लीन करने के लिए, और ये यहाँ पे पानी डाल रहा है। भाई पानी डालने की ज़रूरत नहीं, गधे कहीं के पागल, अभी बारिश हो रही है। और अभी ये दूसरा देखो ये इससे पॉटी, वाओ ये सही है, वैक्यूम क्लीनर है पॉटी को क्लीन करने के लिए। ओह भाई, और ये देखो कितने खुश है, बारिश हो रही है तो काफ़ी अच्छा है, दो कपल्स घूम रहे। और अभी इसको प्यास लगी है तो ये पानी पीने के लिए चला गया। बारिश होने के बाद लोगों ने छाते वगैरह भी निकाल लिए, भाई तुम लोगों को छातों की ज़रूरत नहीं है क्या? क्या पागल लोग हैं ये, बड़ी अच्छी बात है। अभी धीरे धीरे हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भाई, बहुत सही और बहुत प्यारा गेम, मुझे तो काफ़ी पसंद आ गया, मैं इसके बहुत सारे एपिसोड्स लाने वाला हूँ। एंड प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में यार बता दो ये गेम आपको कैसा लगा, मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर आप नहीं बोलोगे फिर भी मैं खेलूंगा क्योंकि मेरे को पसंद है ये। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय गेमर्स।